जैसलमेर में कंपनियों को किए जा रहे भूमि आवंटनों के खिलाफ आज से हजारों किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। जैसलमेर में कंपनियों को जमीन आवंटन के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया जा रहा है धरना। पूर्व विधायक शाम सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर की वार्ता और कहा जब तक नहीं मानी जाती मांगे तब तक धरना रहेगा जारी। धरने पर मान प्रतापपुरी बाल भारती आदि संतों का भी रहा साथ। कई किसान पशुपालक और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुटे और कहा कि हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाकर जिस भूमि को सुरक्षित रखा उसी भूमि का किया जा रहा है अलॉटमेंट। तनेराव सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर जिलेरी आने वाली पीढ़ी के लिए जिस ढंग से सरकार काम कर रही है कंपनियों को अगवाई करके हमारा तो आज जीविका का साधन ही खोज रही है। ये सरकार कहती है कि कंपनी से विकास होगा, बिजली से विकास होगा, एक तरफ विकास दूसरी तरफ हमारा विनाश कर रही है। आने वाली पीढ़ी हमारी जाएगी कहाँ? जैसलमेर जिले के लोगों विकास के नाम पे हमारा तो जिले का विनाश हो रहा है। सारी पब्लिक त्राय त्राय कर रही गांव के अंदर। ये तो आज मौजूद आदमी आया कोई 2000-4000 और अगर ये समय पे नहीं समाधान हुआ तो लाखों की तादाद में यहाँ पे आके पहुँचेंगे, पूरा जिला यहाँ के पड़ जाएगा। आया है कि मेरे लेवल का काम है वो मैं कर रही हूँ, तो जो सरकार का लेवल का है वो भी मैं आपके पक्ष में लिख के भेज दूंगी। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि सारों को विश्वास दिलाया है, ये भरोसा करने पे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक यही बैठा रहूंगा, होली यही मनाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है? होली तो इनका संतों का साथ है ना मेरे, होली जनता के नाम से मनाऊंगा जिला कलेक्टर के सामने। देश की सुरक्षा की बात है वो भी हमने जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि ये इस ढंग का जो कबाड़ा पहली बार हुआ है उसको तुरंत निरस्त करे, रकबा राज घोषित रहे। और दुख की बात है ये अशोक जी गहलोत विधानसभा में तो मैं हूँ नहीं, लेकिन उठाने वाले विधानसभा में उठाएंगे, अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ेगा इस संबंध। मेरा नाम नारायण भारती जी है और मैं जैसलमेर की जनता के साथ आया हूँ और मैं इस ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि जो गोचर की भूमि है, गोरण की भूमि है, उसको राज्य सरकार जो ये कंपनियों को आवंटित कर रही है इसके ऊपर रोक लगाई जाए और ये जैसलमेर के जो नागरिक हैं वो सब यहाँ पर आंदोलन धरने पर बैठे हैं और इसके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं कर गई तो जैसलमेर की जनता यहाँ पर लगातार धरना देती रहेगी। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कर लें और सबसे पहले मेरा निवेदन यही रहेगा कि गाय को राष्ट्रभाषा पर घोषित कर दें और जो वन भूमि है, ओरण भूमि है, यहाँ के जीव जंतु के लिए यहाँ पर राज्य वृक्ष खेजड़ी हैं, राज्य कुछ रोहिड़ा हैं, उनके पेड़ यहाँ पर लगातार काटे जा रहे हैं। कंपनी वाले यहाँ पर अपना रुतबात बता रहे हैं और जो लोग सामने जा रही है, जो सिंगल लोग जा रहे हैं तो उनके साथ पिटाई की जा रही है, ये वह अपनी दादागिरी दिखा रही है। इसके ऊपर थोड़ी रोक लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों के दे चुके हैं और हमने एक ही मांग करी है, निष्पक्ष जाँच की जाए, उसे जांच करी जाए। ये सरकार का विषय है, हमारी आवाज़ उठाने का विषय, हमने उठा करके वहाँ तक भेज दिया है कि जहाँ जहाँ ऐसा हुआ निष्पक्ष जांच की जाए। आलम खान कर्नल आर्मी के रिटायरमेंट हूँ और मोहनगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मामला बहुत हाई फाई खतरनाक है, मतलब मैं शॉर्ट कट में आपको बता दूँ कि जैसे ज़मीन ये जैसलमेर की जो है ना क्षेत्रफल ज़्यादा है, हमें पहले आवंटन नहीं किया गया था, ज़मीनों पर पाबंदी थी। आज के वर्तमान में सॉल्ट कट में यही कह रहा हूँ, जितने भी हमारे आज 18 साल से लेकर के 70 साल तक भूमिहीन बैठे हैं, क्यों ना गवर्नमेंट उन्हें नई शुरुआत से आउटन के फॉर्म भरवा करके उन्हें आउटन किया जाए, उनको आउटन करके बाकी बचत बचती है तो आप कंपनियों को दे दो। मैं सुरक्षा के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश की हम सारे मिल कर के सुरक्षा नहीं करते हैं, जो भी गलत कर रहा है, किस कष्ट है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाला कोई भी ऐसा काम ही ना कर सके। कोई भी ऐसा हमारे देश के लिए गलत काम करता है, हमारा रहना, हमारा बचना सब कुछ नामुमकिन हो जाएगा।